अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने पहले की वीडियोस में आपको दिखाया था एक इंक्यूबेटर बना के जो जिसमें हम एग्स को मैन्युअली रोटेट कर रहे थे, तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इस न्यू इंक्यूबेटर के अंदर हमने जो घर में ही बनाया है होममेड इंक्यूबेटर है, इसमें 100 से 200 एग्स अगर आपके पास हों तो उनको आप आसानी किस तरह से रोटेट करें मैनुअली। एक वन बाई वन अगर आप एक एक एग को रोटेट करेंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी, इसलिए हमने एक तरीका निकाला है जिसमें आप जिससे आप आसानी से जो है एग्स को रोटेट कर सकते हैं। ये इंक्यूबेटर देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमने जो है फॉइल लगाया है, वुडन इंक्यूबेटर है, इसकी वॉल्स के ऊपर जो है हमने जो है फॉइल लगाया है ताकि अच्छे से टेम्परेचर अंदर मेंटेन हो। बाकी एक फ़ैन इंस्टॉल किया हुआ ऊपर ताकि जो है यूनिफॉर्म तरीके से पूरा जो है टेम्परेचर मेंटेन हो इंक्यूबेटर के अंदर। ये डुअल कंट्रोलर है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंट्रोलर। ये बल्ब्स लगे हुए हैं हीटिंग के लिए। ये सेंसर है डुअल कंट्रोलर का, और ये एक एक्स्ट्रा हम लोगों ने जो है बल्ब लगाया हुआ है जो कंट्रोल हो रहा है दूसरे सेंसर के साथ, इन केस अगर वो डुअल कंट्रोलर किसी वजह से भी ना चले और कुछ ख़राबी आ जाए उसमें, तो ये उसे टेम्परेचर मेंटेन दूसरा कंट्रोलर जो है कर ले इंक्यूबेटर में। बाकी ये लाइन देख सकते हैं आप, हमारे जो इंक्यूबेटर की डेप्थ है इतनी ज़्यादा नहीं है, तो तकरीबन एक लाइन के अंदर 8 एग्स आ रहे हैं हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है 8 एग्स को विद इन फ्यू सेकंड्स आप किस तरीके से जो है रोटेट कर सकते हैं आसानी के साथ। अब वन बाय वन अगर 8 एग्स को आप रोटेट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन पूरी लाइन को एक साथ अगर आप रोटेट करें तो बहुत थोड़े टाइम में आप रोटेट करें। इस लाइन को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है पहली चीज़ नेट, ठीक है। नेट का पीस लें आप, अंदाजे से कट कर लें कि एग्स की जो है एक एग की जो तकरीबन जो है 3 साइड से ज़्यादा का हिस्सा जो है कवर हो जाए ताकि एग जो है स्लिप ना हो। बाकी हमें चाहिए दूसरी चीज़ जो चाहिए वो धागा चाहिए हमें। धागे को आपने ज़िगज़ैग इसमें से गुजार लेना है, ठीक है। अब ये देखें एग को प्लेस किया हमने नेट के अंदर, दूसरा तीसरा एग जो आप प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हम जो है तकरीबन इसके अंदर 8 एग्स प्लेस करेंगे क्योंकि हमारे इंक्यूबेटर की डेप्थ इतनी है। अब आपके इंक्यूबेटर की जितनी डेप्थ होगी आप उसके हिसाब से नेट को साइज़ लेके कट करेंगे तो उसमें हो सकता है आपके ज़्यादा आ जाएं या हो सकता है कम आए। ये देख लें आप कितनी आसानी से जो है एग्स जो है आराम से इसमें प्लेस हो गए। अब हमें जो है एक कार्ड का पीस लेना है, ठीक है। कार्टन का जो आप कट कर लें उसमें से पीस एक पतला जो इसको ऊपर से कवर करेगा ताकि एग्स जो है स्लिप होके खुद बाहर ना आए। बाकी इस लाइन के अंदर से अगर इन केस आपको 2 से 3 दिन के बाद या 4 दिन या 5 दिन जब भी आप फर्टिलिटी चेक करते हैं एग्स की, अगर आपको चेक करनी है तो इस लाइन में से आप एग को आसानी से निकाल भी सकते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा किस तरह से एग को इसमें से निकाला भी जा सकता है ताकि अब अगर आप फर्टिलिटी चेक करना चाह रहे हो एग की। ये कार्ड को लगाने के बाद धागे को हम खींच के थोड़ा सा टाइट करेंगे और उसको कॉर्नर पे हम जो है टाई कर देंगे तो ये एग्स जो है सारे फिक्स हो जाएंगे इस लाइन के अंदर। ये देख लें किस तरह से इसको टाई कर दिया, पहले इसको टाइट किया था उसके बाद टाई कर दिया। ये लाइन अब जो है रेडी हो चुकी है। अब देख लें आप किस तरह से जो है ये 8 एग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एग्स जो हैं एक लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब बहुत आसानी से ये आप रोटेट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि एग्स आपके पूरे पूरे ही रोटेट हो, मतलब पूरे आप आधा इधर आधा उधर भी कर लें तो काफ़ी होता है क्योंकि सिर्फ एम्ब्रॉय का जो लोकेशन होती है उसकी वो चेंज होनी चाहिए मुसलसल, इसलिए जो है तकरीबन 8 घंटे हर 8 घंटे बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं।
देखें आप किस तरह से ये एग को निकाला भी जा सकता है, वापस लाइन के अंदर लगाया भी जा सकता है, और ये खुद से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसका हमने जो है ऊपर कार्ड लगाया हुआ है। लेकिन ये है कि आप अगर हम निकालना चाहें फर्टिलिटी चेक करने के लिए तो आप निकाल भी सकते हैं। बाकी ये जब 18 दिन पूरे हो जाएं तो आप ये एग्स को इसी तरह से ये लाइन को खोलें और एग्स को वन बाय वन निकाल के जो है आप इंक्यूबेटर में रखेंगे, या अगर आपके पास अलग से हैचरी है तो उसके अंदर रखेंगे, ताकि फिर ये है लाइन में लाइन्स निकल जाएंगे तो फिर वो हैचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 18 डेज़ बाद जैसा आपको पता है कि उसको एग्स को रोटेट नहीं करना होता।